नमस्कार, मैं रुक्मणी और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय स्पर्स फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। या डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अब फर्नीचर में मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। आइए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। कल रात नेशनल हाईवे रोटी ढाबा के करीब हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना। बताया जा रहा है कि तीन युवक एक बाइक में सवार होकर काम पर से घर की ओर आ रहे थे। घटनास्थल में ही दो युवकों की मृत्यु हो गई और तीसरे युवक ने अस्पताल जाने के क्रम में ही अपना दम तोड़ दिया। इन तीन युवकों में से एक नॉर्थ थाना के करीब, दूसरा बूढ़ा का, तीसरा मोशिला का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतकों के परिजनों का इस दुर्घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। हम सुने एक बैग उधर से आ रहा था रॉन्ग साइड से, एक बैग आया इधर राइट साइड से। दोनों में जो कोड़ा हुआ है उसका कारण से उसका चक्का स्कीड किया, वो गिरा। गिरने के बाद दो को तो स्पॉट डेड कर गया, मेरे को देखने में ऐसा लगा। और बाकी एगो हॉस्पिटल ले जाते डेड किया। पीछे से कोई गाड़ी मारती नहीं? पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं मारा, हम देखे भी नहीं ना सुने हैं। ये जगह का नाम है करबल्ला हैवी रोड, नेशनल रोटी ढाबा होटल। कल वही करीब 9 बजे रात में जुबली से पहले रोटी ढाबा के करीब, वहाँ पे एक बाइक में तीन बच्चे थे, तीनों युवक का वहीं पे एक्सीडेंट हुआ है रोड खराब होने के कारण। और जैसा देखा जा रहा है कि लगभग कोई हेवी व्हीकल उसके ऊपर चढ़ा दिया गया है। दो लड़कों का स्पॉट देहांत हो गया और तीसरे को यहाँ लाते लाते हॉस्पिटल में उसका दम टूट गया है। एक लड़का है नॉर्थ थाना के पास जेसी बोस लेन का, एक लड़का बूढ़ा का है और एक यहाँ का मुहशिला का है। तीनों युवक पोस्टमार्टम अभी शुरू होगा, पोस्टमार्टम शुरू हुआ नहीं है अभी, डॉक्टर आ रहे हैं। मेरा नाम विराज शर्मा। ব্যাপারটা হচ্ছে ওরা আসছিল জিটি রোড দিকে, মানে রুটি ধাওয়া বলে যে জায়গাটা আছে ওখান থেকে রাস্তার উপরে পিস্টা, মানে পিস্টা উঠিয়ে নতুন রাস্তা হচ্ছে ওখানটা। তো ওইখানটাতে ওরা বুঝতে পারেনি, রাস্তা রাত্রেবেলা ছিল তো, তো এক ব্যাগ এসে দেখছি যে রাস্তাটা কাটা আছে, রাস্তাটা জায়গাটা ইটে উঠানো আছে। তো ওখানে গাড়িটা নিচে নেমে গাড়িটা পুরো স্কিড করে গেছে, স্কিড করাতে ওরা উল্টে গেছে। উল্টে যাওয়াতে পিছন থেকে ট্রাক আসছে, ট্রাকের সাথে চেপে দিয়ে চলে গেছে। তো স্পটেই দুজন মারা গেছে, আরেকজন আসানসোলে হসপিটালে ভর্তি করার পর, অ্যাডমিট করার পর ওটা এইমাত্র মারা গেল। তা আমাদের জানা যায় যে কীভাবে যাচ্ছিল, এবার যাচ্ছিল এরা ওখান থেকে কোনো কাজ করে আসছিল তিনজনে মিলে, বাইকে, হ্যাঁ নতুন একটা বাইকে, পালসার বাইকে ছিল ওরা। কোথায় থাকে? এরা থাকে আমাদের, আগে থাকতেন আমাদের আসানসোল ভিলেজে নামাপাড়া থাকতেন, এখন হসপিটালের পিছনে বাড়ি করে ওরা ওখানে থাকে। তিনজনে না, তিনজন না, একজন থাকে রেলপার, দুজন থাকে, একজন রেলপার থাকে, একজনকে বুঝতে পারছি না কোথা থাকে। আর না নাম তো রাজকুমারের, ওকে রাজকুমারের ছেলে বলেই আমরা চিনি। ওই ছেলে ওর বাবা ওই সুভাষ সিনেমার সামনে গড়ির জুস্টুস বিক্রি করে। আমার নাম গোরাচন্দ্র। पूर्व मेयर व भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी आज कंबल कांड में आसनसोल अदालत में हाजिरी देने पहुंचे। उन्होंने अशोक रुद्र और तापस बनर्जी के सिलसिले में कहा कि यह बंटवारे की लड़ाई है, किसको ज्यादा मिलेगा किसको कम, 50-50 होगा या 70-30, इसकी लड़ाई है। आज डेट है कोर्ट में, आज हाजिर होना कल किया है। कल देखा गया कि अशोक रुद्रो और तापस बनर्जी में भेद देखा जा रहा है। ये हिस्सा बंटवारा का लड़ाई है, किसको ज़्यादा मिलेगा किसको कम मिलेगा, और ये लोग नाटक कर रहे हैं
हमको तो लग रहा है कि श्रेष्ठ नायक पुरस्कार कल बहुत सा नायक नायिका को दिया गया, तो कलकत्ता में नहीं देके यही लोगों को देना चाहिए। ये लोग आपस में इतना नाटक करता है, अशोक रुद्रो और तापस बनर्जी, ये दोनों का खाली हिस्सा बंटवारा का लड़ाई, 50-50 होगा कि 70-30 होगा, इसका लड़ाई। आसनसोल का जनता को मूर्ख बना रहा है। बेस्ट एक्टर पुरस्कार इन लोगों को देना चाहिए। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर, डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अपकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, जीटी रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है सुल्तानचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, जीरो डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवी, टैब्स और अदर एसेसरीज। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओसिस अपार्टमेंट, लोअर चेडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में एचयू व हेपा फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में मां के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर, अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जीटी रोड, आसनसोल।
बीजेपी की ओर से कल शाम हीरापुर थाने के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता बापा चटर्जी ने कहा कि 21 जुलाई के कार्यक्रम में बंगाल के पप्पू ने कहा था कि आगामी 5 तारीख को बीजेपी कर्मियों के घर का घेराव करेंगे। पुलिस को चाहिए था कि इसके खिलाफ मामला करती, पर पुलिस मंत्री के भतीजे के खिलाफ पुलिस मामला कैसे करेगी। वहीं पवन सिंह ने कहा कि तृणमूल की जमीन खिसकते जा रही है। इन लोगों ने एक ऐसी जोट एनडीए के खिलाफ बनाई है जिसमें कांग्रेस भी है, डीडी भी है और सीपीएम भी है। যখন পশ্চিমবঙ্গের পাপ্পু অর্থাৎ দিল্লির পাপ্পুকে আমরা জানি, জানি কি দিল্লির পাপ্পুকে, কে দিল্লির পাপ্পু? পশ্চিমবঙ্গের পাপ্পুকে, পশ্চিমবঙ্গের পাপ্পু 21 তারিখ মঞ্চ থেকে যখন বলে যে আগামী 5 তারিখ বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ঘেরাও হবে, তুমি স্যার উচিত ছিল সেদিন শতক প্রণোদিত মামলা অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে করার, কিন্তু পুলিশের ক্ষমতা হয়নি। যেহেতু স্বয়ং পুলিশ মন্ত্রীর ভাই ভাইয়ের কথা বলছে, পুলিশ এটা করবে কিভাবে? তাই শতক প্রণোদিত মামলা অভিষেক ব্যানার্জির নামে হয়নি, আমরা মামলা করছি। আমাদের বিরোধী দলের নেতা মাননীয় সুরেন্দ্র অধিকারী এই মামলা করছেন, করেছেন এই মামলা হাইকোর্টে। এবার নেক্সট ফ্লোর থেকে ছাড়বো। আর 5 তারিখে আমাদের ঘর ঘেরাও করবেন? আরে আজকেই বাইনপুরের ঘটনা, বাইনপুর টাউনের পশ্চিম বঙ্গাল কা ওর হর জেলা সে জমিন খিসকতে যা রা হ্যা। 77 বিধানসভা বিধায়ক হমারে জিতে, 18 সাংসদ জিতা। ইস বার কে পঞ্চায়েত চুনাও মে ইতনা মারকাট, ইতনা দঙ্গা, इतना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जुलूम और आपस में सेटिंग, यहाँ पर हल्ला हो रहा है। अभी एक नया जोड़ बना है, आप लोग सभी देख रहे हैं टीवी पर, INI.N.B.I.A इंडिया। ये जोड़ आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए है, इसके खिलाफ में बनाया गया है। और इस जोड़ में कौन कौन है? कांग्रेस भी है, डीडी भी है और सीपीएम भी है। मुझे बोलते हुए शर्म आ रहा है, अभी गलती नहीं गया पंचायत चुनाव का अध्यक्ष था। काउंटिंग काउंटिंग है, 11 तारीख को काउंटिंग हुआ। बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मौत के घाट उतार दिया गया और सीपीएम से तो अभी सेटिंग चल रहा है। आप लोग घबराइए मत, ये जो कहीं कहीं आए दिन लाल झंडा नजर आ रहा है, लाल झंडा का ऑफिस में चाय पानी चल रहा है, हल्का फुल्का मीटिंग मीटिंग भी चल रहा है। ये कौन है सामने में दो लाल झंडा और पीछे सब तृणमूल के लोग हैं? ये सोच रहे हैं कि इस तरह से करके शायद हम लोग भारतीय जनता पार्टी को कुछ कमजोर कर दे। ये सपना तृणमूल के लोगों से लोग करते हैं, ये सपना आप लोग छोड़ दीजिए। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्यों? हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, देश की जनता के लिए, नमकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, छात्रों के लिए, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सम्मान के लिए, देश का आत्मसम्मान के लिए हम काम करते हैं। आज देश का नाम कैसा हो रहा है ये कहने की जरूरत नहीं है। Thank you.
রোবোটিক্স টুর্নামেন্ট, যেটা অনেকদিন ধরে এটা বাচ্চারা সবাই নিজেরাই বানিয়েছে। যেটা উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে যে বাচ্চারা তো সবসময় পড়াশোনার মধ্যে থাকে, বাট এই যে সিনিয়র ক্লাসের স্টুডেন্টরা তারা যেটা পড়ছে সেটাই কতটা পড়ে উঠতে পারছে সেটা নিয়ে একটা টুর্নামেন্ট করানো হয়েছিল, যাতে ওদের মধ্যে একটা আগ্রহ থাকে পড়াশোনা ছাড়াও একটা খেলাধুলার মধ্যে ওরা এই রেস করছে, এই করছে, তাতে ওরা কত ইন্টারেস্টেড। পাঁচজন পাঁচজন করে বানিয়েছে, কিন্তু সবাই বলছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রেসটা করবো। এই দেখ এই আগ্রহটা বাচ্চাদের মধ্যে যেটা যতটা পারবো জাগিয়ে রাখবো বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের থেকে। আগামী দিনে এইটাতে তাদের যে মানসিকতা কতটা বিকাশ হবে বলে মনে হয়? এই যে আমরা অনেক কিছু শুনছি যে ইন্ডিয়া থেকে এত স্টার্ট আপ হয়েছে, এত কিছু বানাচ্ছে নতুন নতুন, তো এটা তো সব স্টার্ট একটা রুট লেভেল থেকে। আজকে অন্য অন্য স্টেটে অনেক ক্লাস সেভেনের বাচ্চা এই বানিয়েছে, ক্লাস সিক্সের বাচ্চা এই করেছে, একটা সাইকেল বানিয়েছে, ইলেকট্রিক ভেহিকেল বানিয়েছে। তো এইগুলো না করলে, এইগুলো থেকে যদি স্পার্কটা না জাগে তাহলে কী করে হবে? এটা আগের দিনে যে এই একটা ছোট গাড়ি বানিয়েছে, হতে পারে এনাদের মধ্যে কেউ হতে পারে যে একটা কোনো স্টার্ট আপ করে একটা কোনো গাড়ির কোম্পানিতে পার্ট নিলো, বা কোনো একটা গাড়ির ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে কোনো একটা পার্ট হলো। তো দ্যাট উইল বি আ প্রাউড মোমেন্ট ফর আস টু রক কান্ট্রি। থ্যাংক ইউ। आज की इन खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।